हमारे घर में जो मोहिनी नाम की लड़की है ना, वो इच्छाधारी रागिन है और उसी ने हमारी दादी को मारा है। इच्छाधारी नागिन? जी। उसने मारा दादी को? जी। आप लोग प्लीज प्लीज उसे अरेस्ट कर लीजिए। मुझे शक्ति मासी के पास जाना है। बाबूजी, वो मैंने कार्तिक को बता दिया कि शक्ति दीदी कहीं नहीं गई है। शक्ति मासी कहाँ है? अरे कार्तिक, तुम्हें पता है, सीनियर डॉक्टर का फोन आया था हॉस्पिटल से, एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, तो उन्होंने शक्ति मासी को असिस्ट करने के लिए बुलाया है। तो मुझे भी हॉस्पिटल ले चलो, मुझे बहुत बैड सपना आया, मुझे शक्ति मासी को बताना है। कार्तिक, वो क्या हुआ, आप ठीक नहीं हो? हाँ कार्तिक, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैंने देखा है तुम शक्ति मासी को ज्यादा प्यार करने लगे और पापा से कम। आज मैं तुम्हें सुलाऊंगा। और जब मुझे बैड ड्रीम्स आते हैं ना, तो शक्ति मासी मेरे मुंह पे हाथ फेरती है और बोलती है बैड ड्रीम्स गो अवे, बैड ड्रीम्स गो अवे। तो बैड ड्रीम्स चले जाते हैं, आप कर दोगे? ऑफ कोर्स। बैड ड्रीम्स गो अवे, बैड ड्रीम्स गो अवे। अब बुरे सपने खत्म हो जाएंगे, बुरा टाइम भी खत्म हो जाएगा, सारी मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी। शक्ति, बस तुम हिम्मत मत हारना। अगर आप चाहती हैं कि इस केस को हम अच्छे तरह से तहकीकात करें, तो बताइए आपने क्या देखा था और आपको किस पे शक है, आप सब बताइए। आप इकलौती आई विटनेस हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको उस पर विश्वास होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सब सच सच बताइए। ये सब एक इच्छाधारी नागिन के कारण हुआ है। हमारे घर में जो मोहिनी नाम की लड़की है ना, वो इच्छाधारी नागिन है और उसी ने हमारी दादी को मारा है। इच्छाधारी नागिन? जी। उसने मारा दादी को? जी। आप लोग प्लीज प्लीज उसे अरेस्ट कर लीजिए।